अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने, जैसा कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने, आज थर्सडे है, आज ही हम लोगों ने निकलना है मदीना शरीफ के लिए। और वैद भी ऑफिस से आ गए, माइजा बच्चे भी स्कूल से आ गए दोनों माशाल्लाह। तो आते ही दोनों रेडी हुए हैं और हम लोग अब निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। जी बेटा, माशाल्लाह मेरा छोटा सा हाजी नीचे बैठा हुआ है और इधर माइजा माशाल्लाह से। हेलो माइजा, अस्सलाम वालेकुम हबी। वालेकुम सलाम, हाय। जी बेटा, तो बस अभी हम लोग का माशाल्लाह से मदीना शरीफ का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और बस अल्लाह पाक खैर ऑफिस से हम लोग को वहाँ पर पहुँचा है। और आप लोग जल्दी से अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो है ज़्यारत ब्लॉग भी आप लोग को टाइम से मिल सके। और बस चलते हैं अभी हम लोग, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम लोग इफ्तार मदीना शरीफ में पहुँच के करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उधर ही होगी। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ साथ कनेक्ट रहिए एंड तक और आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ। चलिए जी, सारा सफ़र आपके साथ शेयर करूँगी। ये रुका है वैद ने, यहाँ पर टायर की उसका चेक करने लगे हैं, टायर की हवा चेक करने लगे हैं। यहाँ पे आपको खुद ही चेक करना होता है सारा कुछ। तो ये देखिए, वो लेने गए हैं और चेक करने लगे हैं अभी। हम लोग चल पड़े हैं वापस। वापस क्या जा रहे हैं? मीन्स के टायर आपने चेक कर लिया, हवा वापस मदीना शरीफ की तरफ। वापस थोड़ी जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे ही वही। यह रास्ता मदीना शरीफ का माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, इसमें पहाड़, रेत के टीले, इतना कुछ नज़र आता है आपको कि आप ये पूरा सफ़र जो है एंजॉय करते जाते हैं और दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह से। और ये मौसम चेक करें, ये देखिए कितना सुहाना ये व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने पहाड़ हैं और मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आप लोग ये सारा व्लॉग देखें, इसमें सफ़र का व्लॉग भी और आगे इफ्तार व्लॉग भी आना है सारा, तो आप ये इन्जॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मदीना का सफ़र कैसा लगा है। ट्रेनिंग के लिए ये आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी, बच्चे भी उठ गए हैं। बेटा अभी चलते हैं। अच्छा चलो जाओ, डैडी आपको लेके जाओ, मैं फिर रुमाइजा को ले जाती हूँ। ओके चलो। हाँ चलने, फिर मैं निकलती हूँ, मुझे तो थोड़ा बच्चे सो रहे हैं, तो चलो फिर मैं बाद में चली जाऊँगी। माइजा आ चुके बेटा, हम चले। अभी हम लोग आ चुके हैं मस्जिद, अंदर में जा रही नमाज पढ़ने के लिए असर की। आ चुके बेटा, अंदर ही चलते हैं। अभी नमाज पढ़ते अंदर असर की नमाज पढ़ के फिर चलेंगे आगे मदीना शरीफ। मैंने नमाज अदा कर लिया असर की और अब चलते हैं बाहर। और ये देखिए माइजा के काम, चलिए जी भी चलते हैं बाहर। और बैत वगैरह भी पढ़ के आ चुके होंगे, रूहान बैत के तक चला गया था, माइजा मेरे साथ आ गई थी, तो चलिए भी चलते हैं बाहर।
अल्हम्दुलिल्लाह से ये अब चेक पोस्ट आ चुके हैं मदीना शरीफ का। यहाँ से हमें चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। सो ये देखिए जो 44 मिनट्स का रह गया है मस्जिद नबवी शरीफ तक जाने के लिए हम लोगों को। और ये देखिए जी माशाल्लाह से बस अभी हम पहुँच रहे हैं और टाइम भी बहुत कम रह गया था हमारे पास। हमने बस गाड़ी भगाई है उबैद ने इस तरीके से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ताकि हम लोगों से इफ्तार ना मिस हो जाए। बस अभी हम लोग ये जा रहे थे नीचे और मज़े की बात कि इन्होंने वापस हमें मोड़ दिया कि वापस जाओ, यहाँ पर पार्किंग ख़त्म है। सो फाइनली हम अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर ही जो है इधर इन्होंने बनाए हुए दस्तरखान वगैरह सब ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बाहर भी। माशाल्लाह इतना रश है ना तो बाहर तक है सारा। हाँ जी बेटे इधर बैठो ना। हाँ जी जूस ले आए मेरा कहीं से वो उस तरफ आया है। वो ये भी वेल जूस भी लेकर आए हैं। भाई तो राइट हैंड के था बेटा। ये देखिए वेल लेकर आया है। ये देखिए ओके आई विल पुट इट हियर यू कैन ड्रिंक ओके। देखिए नमाज भी हो चुकी है और सब अब निकल रहे हैं। हम लोगों ने इधर ही पढ़ ली थी, बैठ उधर गए थे पढ़ने के लिए। ये छोटा सा क्लिप उबैद ने बनाया था मेरे लिए कि आप दिखाना अपनी YouTube फैमिली को समर के। देखें माशाल्लाह कितना रश है ये इफ्तार के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। इतना रश है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तार बाहर भी उन्होंने सारा सेटअप वैसे ही लगाया जैसे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर लगता होता था। और ऐसे ही लोग रह गए थे अंदर आने के लिए और उनके लिए उन्होंने सारा सेटअप बाहर अरेंज किया हुआ था, इफ्तार का दस्तरखान वगैरह लगा के सब कुछ। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं कहती हूँ कितना ज़्यादा इस दफ़ा रश था और बहुत खुशी हो रही है देख के माशाल्लाह ये सब कुछ ना मुझे। तो आप लोगों को भी यकीनन बहुत खुशी हो रही होगी। अल्लाह पाक आप सबको मेरे जितने देखने वाले जितने चाहने वाले हैं सारे अल्लाह पाक सबको यहाँ पर आना नसीब करे, सबको यहाँ पर बुलाए इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। और आप लोग देखते जाइए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग इफ्तारी करके आ चुके हुए हैं, नमाज़ पढ़ के मगरिब की अभी होटल में आ गए हैं और बस अभी यहाँ से जाते हैं दोबारा से तरावी के लिए जाना है होटल में आए। तो बस अभी हम लोग इफ्तारी करके आ गए थे यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए था, मेडिसिन खानी थी और माइजा की भी लेग पेन करी थी, मैं उनकी भी मेडिसिन लेकर आई थी पैन और वो भी दे दी है। तो अब वापस जाते हैं, 8 बज रहे हैं तो जाते हैं वापस तरावियों के लिए क्योंकि 8:45 भी तरावियाँ हो जाती हैं स्टार्ट, तो इशा का टाइम मतलब। तो बस फिर चलते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो अब अंदर इंशाल्लाह अंदर जाना है, मेरी ज़्यारत भी 11:30 का टाइम है। तो बस आज इस वाले ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। शायद नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मदीना शरीफ जाके अंदर, सॉरी मस्जिद नबवी शरीफ में जाके। तो नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग। देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, खास दुआ में याद रखिएगा मुझे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।